हेलो गाइस, मेरा नाम है पारस और मैं स्वागत करता हूँ आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। और गाइस, जो पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं, प्लीज़ चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन जरूर, ताकि आपको मेरी नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो गाइस, टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। तो गाइस, आज मैं आपको बताने वाला हूँ जो प्याजो की जो होगी, अतुल की गाड़ी होगी, महिंद्रा की होगी, जो ऑटो हो गए थ्री व्हीलर, उनकी गियर की एडजस्टमेंट कैसे करें। तो गाइस, मैं आपको इसमें यह बताने वाला हूँ गियर की एडजस्टमेंट कैसे। जैसे आपकी पहली गियर पर न्यूट्रल होता है, क्योंकि पहला गियर नहीं लगता, जो कि आपको कहीं का होता है दूसरे गियर पर न्यूट्रल होती है, एंड पे न्यूट्रल नहीं होती गाड़ी, कहीं की होती तीसरे गियर पर न्यूट्रल होती है, कहीं की मतलब गियर ही नहीं लगता कोई, पूरा मुट्ठा मतलब जो होता है आप गियर डालने वाला जो हैंडल होता है वो बिल्कुल ढीला हो जाता है। तो हम वो कैसे सेट करें, तो आपने सबसे पहले क्या करना है, जो मतलब आपका हैंडल होगा, जैसे कि ये देखो मैं आपको बता रहा हूँ, ये गाड़ी के अंदर मैं बैठ गया, ये देखो हैंडल है, आपको देखो ये हैंडल पूरा दिखाई दे रहा है, ये जो क्लच वाली साइड पे देखो आपके निशान बने होंगे, नंबरिंग लिखी हुई है, 1 लिखा हुआ है, एन लिखा हुआ, 2, 3, 4, 5 लिखा हुआ है, एक गियर की मतलब नंबर होगा कौन सा गियर आपका चल रहा है। तो पॉइंट के सामने न्यूट्रल नहीं होती, अब देखो गाड़ी न्यूट्रल है, तो कहीं की होती मतलब पहला गियर की न्यूट्रल हुई थी आपकी गाड़ी, अब देख सकते हो एक सेकंड को, हाँ ये देखो अभी एन पे बिल्कुल न्यूट्रल है गाड़ी, कहीं की गाड़ी होती है फर्स्ट गियर पे न्यूट्रल होती है, पहला गियर नहीं डलता, यानी फर्स्ट गियर डलता ही नहीं कभी। तो गियर को कैसे डालना है मैं आपको बताऊंगा, और आप देख सकते हो ये जो बिल्कुल सेंटर में जो लिखा हुआ है ढक्कन जो ब्लैक कलर का है, हैंडल के भी सेंटर में, इसमें दो तारे होती हैं, ये देखो जो मतलब पूरा आपके मुट्ठे को कंट्रोल करती है, मतलब एडजस्ट करती है। ये जो पहली बार गियर होगी ब्लैक वाली वोटर के साथ होगी, जो पीछे वाली है वो व्हाइट वाली वोटर के साथ होगी, मतलब ये दो तारे हैं जो आपके मतलब पूरे हैंडल को कंट्रोल करती है गियर को। मैं ये बताता हूँ इसे कैसे ठीक करना है, तो आपको बिल्कुल उसके नीचे आना है, नीचे आने के बाद आप देख सकते हो ध्यान से देखो जरा एक सेकंड को, अभी दिखाता हूँ, फोकस करने दो मेरे को 2 मिनट को, एक सेकेंड, हाँ अभी देखो ये वाइट और ब्लैक कलर की आपको एडजस्टमेंट दिखाई देगी, जिसमें एक येलो की टेप लिखी है, अब देख सकते हो, हाँ ये जो एडजस्टमेंट है, अगर आपकी गाड़ी दूसरे नंबर पे न्यूट्रल होती है, एन पे न्यूट्रल नहीं होती, तो आपने क्या करना है, ऐसे जैसे मैं एडजस्टमेंट खोल रहा हूँ, बिल्कुल आपने एडजस्टमेंट खोलनी है, ऊपर का जो 10 नंबर का नट होगा उसे ऊपर चढ़ा देना है, उसे ऊपर जाकर टाइट कर देना है, नीचे वाली जो होगी एडजस्टमेंट उसे खोलना है, आपने नीचे लाना है, ऐसे हो गया कि आपकी जो तार है ना वो खींचेगी, तो आपको जो मतलब 2 नंबर से एन पी तरफ मुठा जाना, सॉरी आपका हैंडल जाना स्टार्ट हो जाएगा, आपने बिल्कुल इसी तरीके से खोलनी है, तो जो 10 नंबर का अगर इससे हाथ से ना हो आपसे, तो जो कि 8 नंबर की आपको चाबी पड़ी हुई है, 8 नंबर की चाबी को यूज़ कर सकते हो आप, अगर देखो ये हाथ से ना हो तो 8 नंबर और 10 नंबर की चाबी ले लेनी है आपने, उसे आराम से कर लेना है। तो आपको हमको ब्लैक कलर के ऑटो भी दिखाता हूँ 2 सेकंड को, हाँ वो देखो आगे फ्रंट में ब्लैक कलर की ऑटो दिखती है आपको दिखाई दे रही होगी, एडजस्टमेंट उसकी भी सेम ऐसी लगी हुई है। अगर आपकी पहला गियर नहीं लगता तो आपने क्या करना, जैसे मैंने व्हाइट वाली को एडजस्टमेंट किया था ना, नीचे डाउन की थी, वैसे आपने सेम ब्लैक वाली की डाउन करनी है, तो 10 नंबर का जो नट है ऊपर चढ़ा देना, अगर हाथ से आपका नहीं होता तो आपने क्या करना, 8 नंबर की चाबी लेनी, 8 नंबर चाबी से करना है। अभी उनको दिखाई नहीं दे रहा होगा आपको मतलब कैसे मतलब नट घूम रहा है, जैसे मैंने पहले नट घुमाया ना, जैसे व्हाइट वाटर का बिल्कुल सेम आप तरीके से, आपने इस तरीके से नीचे लाना है नट को, ठीक है, नीचे लाने के बाद ऊपर जो 10 नंबर का नट है उसे टाइट कर देना, ऊपर की तरफ चढ़ा देना, इससे क्या होगा आपकी एडजस्टमेंट थोड़ी नीचे आ जाएगी, तो जो 10 नंबर का नट है उसे एडजस्टमेंट को लॉक रखे, आपकी जो मतलब गियर की मतलब तार लूज है और टाइट ना हो जाए, और वापस मतलब लूज ना हो आपकी गाड़ी, सॉरी जो वायर आपके लूज ना हो, और कई गाड़ी जो मतलब डीजल गाड़ी के ऐसे होगी, जब पेट्रोल गाड़ी की नहीं हो पाती, तो पेट्रोल गाड़ी की एडजस्टमेंट सेम वैसे नीचे दी हुई है, आप देख सकते हो ये पेट्रोल गाड़ी की एडजस्टमेंट दी हुई है इन्होंने, डीजल गाड़ी की सेम वैसे ऊपर से करनी है, पेट्रोल गाड़ी होगी तो आपको ऐसे नीचे से भी करने का मतलब एडजस्टमेंट दी हुई है, ऊपर से भी कर सकते हो, अगर ऊपर से होगी पूरी अपनी डाउन कर दी है तब भी नहीं आपको मतलब लगता, तो फिर मतलब आपको नीचे से कर लेनी है।